बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। महिलाएं ऑपरेशन कराने के लिए सुबह 8 बजे पहुंची, लेकिन रात 8 बजे तक जिम्मेदार डॉक्टर नहीं आए। गुस्साए मरीजों ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर दिया। कलेक्टर शिवम वर्मा से शिकायत भी की गई। स्वास्थ्य विभाग और अफसरों की लापरवाही का खामियाजा मंगलवार को बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची महिलाओं को भुगतना पड़ा। महिलाएं ऑपरेशन कराने के लिए सुबह 8 बजे पहुंच गईं, लेकिन रात 8 बजे तक सीएमएचओ उनका ऑपरेशन करने के लिए नहीं पहुंचे। ऑपरेशन कराने के लिए पहुंची महिलाएं दिन भर केंद्र पर भूख प्यास से तड़पती रही। देर शाम तक जब वह ऑपरेशन करने के लिए बड़ौदा नहीं पहुंचे तो महिलाओं ने न सिर्फ हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि ग्रामीणों की शिकायत पर बड़ौदा पहुंचे कलेक्टर ने भी सीएमएचओ को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि उन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही आए हुए मरीजों के लिए खाने की और उन्हें घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी करने की बात कही। ये संज्ञान में आ गया है मसला और पूरा अभी हम लोग यहाँ व्यवस्था कर भी रहे हैं। हमारे SDM और पूरी हमारी प्रशासन की पूरी टीम, मैं खुद भी यहाँ पर देख रहा हूँ इस चीज़ को, और जितने भी महिलाएं आई हुई हैं उनको हम लोग अभी भोजन कराएंगे, उनको हम लोग देखेंगे और उसके बाद उनको सकुशल उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है और इसके अलावा जो जिन महिलाओं का ऑपरेशन हो गया है उनको हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के करने के बाद ही उनको छोड़ना है या कल सुबह उनको छोड़ना है, हम लोग वो देखेंगे वो चीज़ें। इसमें जो लापरवाही हुई है उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें सीएमएचओ को, यहाँ के BMO को नोटिस दिए जा रहे हैं और जो हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उनको सेवा समाप्ति का हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं, उनको नोटिस भी अभी दे दिया जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे 67 महिलाएं कुछ हैं जिनको बुलाया गया था और हमारी 42 आशा दीदियाँ भी हैं और अभी इसमें इनको 24 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है जिनको हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और शेष लोगों को हम लोग घर छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, इसकी इन्होंने कैंप लगाया यहाँ पर, परंतु जो जिसको सर्जरी करनी जिस डॉक्टर को, वो डॉक्टर उपस्थित थे ही नहीं यहाँ पर। और जब ये बात संज्ञान में आई तो सीएमएचओ साहब को मैंने खुद स्वयं भेजा वहाँ से और तभी इन्होंने आके यहाँ पे अब ये काम किया है। हालांकि रात का समय है, इससे हम चाहेंगे नहीं कोई सर्जरी फर्दर हम लोग और करें। जिन लोग की हो गई है उनको हम लोग अभी रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, शेष लोग को हम लोग सकुशल उनके घर भेज देंगे। नहीं, ठीक है, हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी इसमें कमियां पाई जाएंगी उसके लिए कार्रवाई भी करेंगे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। सुबह 8 बजे से ऑपरेशन कराने के लिए आई महिलाओं का देर रात तक ऑपरेशन नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, श्योपुर।